जाना है। अरे कितनी देर हो गई है किरण बेटा, अरे क्या कर रही हो, जल्दी करो, देर हो रही है। अरे क्या कर रही हो, जल्दी करो। जी जी माँ, आ रही हूँ आ रही हूँ, बस दो मिनट। बस इसके बस बस के चक्कर में ना कई बार हमारी बस छूट चुकी है दामाद जी, ये ऐसे वक्त लगाती कहीं जाने के लिए। अरे कुछ समझाओ अपनी बीवी को, वक्त की कदर करा करे। माँ जी हमारे जाना वाकई में जरूरी है कि? अरे हाँ दामाद जी, मैं जानती हूँ कि आपके पैर तो वहाँ जाने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं होंगे, लेकिन क्या है ना बेटा कि दुनियादारी तो निभानी ही पड़ती। पुलकित कहाँ जा रहे हो? दोस्त के पास जा रहे हैं, कल बताया था ना किरण की बहन की गोद भरे में जाना है आज। अरे तो हम क्या करेंगे वहाँ? क्या करेंगे मतलब क्या? देखो पुलकित, जिन लोगों का हमारे साथ संबंध है उनका तुम्हारे साथ भी संबंध है। अगर किरण की माँ हमारी माँ जैसी है तो वो तुम्हारी भी माँ जैसी है। अगर किरण की बहन बरखा हमारी बहन जैसी है तो वो तुम्हारी भी बहन जैसी है। पर वो बरखा को पति? देखो हमको जो कहना था हमने कह दिया, जाओ जाके तैयार हो जाओ। लो आ गई आपकी बेटी। चले माँ कुणाल। बस एक बार पुलकित आ जाए। हाँ कितनी प्यारी लग रही मेरी बच्ची, नजर ना लग जाए। हेलो। हाँ भैया। अरे भैया भरोसा रखिए मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। अरे नहीं नहीं भैया, मैं तो आपके पास ही आ रहा था, वो दरअसल वो एक घर का एक मसला हो गया है। अरे अरे तुम वहां कहीं जा रही हो किरण? वो बरखा को प्यास लगी है तो हमें बोल दो ना, तुम कहीं घुसे जा रही हो? अरे चाची आप ऐसे कैसे बात कर रही हैं? सगी बहन है हमारी। सगी बहन है तो सौतेली काहे बन रही है जी? मतलब हम समझे नहीं। लो अब तुम हमारे गले में उंगली डालकर उगलवाना ही चाहती हो तो हम भी कह ही देते हैं, माँ बनने वाली है तुम्हारी बहन और तुम्हारी कोक अभी तक सूनी है। इतने साल हो गए तुम्हारी शादी को, एक बच्चा नहीं जन पाई अब तक तुम। अब ऐसे में तुम्हारा काला साया हमारी बहू पर पड़ जाएगा तो राम ही जाने का हो जाएगा। चाची शर्म आनी चाहिए आपको, आप इस तरह से बात नहीं कर सकती मेरी बहन के साथ। और तुम हमारी चाची के साथ ऐसे बात नहीं कर सकती? ला शर्म, क्या तुम शरबत नहीं घोल के पी गई हो? आपकी हिम्मत कैसे है हमारी बहन पर हाथ उठाने की? हम चाहे जो करें, चाहे इसको थप्पड़ मारे या जान से मार दे, पत्नी है हमारी। अगर पत्नी है तो हाथ उठाने का हक मिल गया आपको। ओहो आप लोग यहाँ गोद भराई के लिए आए ना, रीति रिवाज खत्म करो, दफा हो जाए यहाँ से। तो चल यहाँ से, तो चल हमारे साथ, तो यहाँ इस आदमी के साथ एक पल नहीं रहेगी और इस हालत में तो बिल्कुल भी नहीं। चल कोई मोबाइल फोन है जो जेब में डाले और लेके चल दिए है? नहीं जाएगी कहीं पे। बरखा ये आदमी भरोसा कर ले, लेके जा अपनी बीवी को। दीदी आप रुक जाइए, मैं ठीक हूँ। किरण चलो। औरत पर हाथ उठाकर अपने आप को मर्द समझते हो? अगर आइंदा हमारी बहन पर हाथ उठाने की कोशिश भी की ना तो थाने ले जाकर ये सारी मर्दानगी ना उतरवा देंगे। ठीक है अब जाओ यहाँ से। मांझ कहीं की।
इसीलिए हम वहां जाना नहीं चाहते थे। अरे हमने तो पहले ही कहा था आपको। किरण चाची गलत नहीं बोल रही थी कुटाल, जिस औरत का बच्चा नहीं होता ना उसके समाज में कोई इज्जत नहीं होती। अरे चाची की बातों पर क्यों ध्यान दे रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक औरत की मान मर्यादा प्रतिष्ठा सब कुछ उसके बच्चे से जुड़ी होती है। जिस औरत का बच्चा नहीं कोई इज्जत नहीं वो औरत नहीं कहलाती। और हम तो ले बेटा पानी पी ले। नहीं हमें नहीं पीना पानी। देख मेरी तरफ देख, समाज की ऐसी औरतों की बातों का बुरा नहीं लगाते, उनको दिल पर नहीं लगाते मेरी बच्ची। नहीं माँ, हमें माँ बनना है, हमें बच्चा चाहिए, हम माँ बनना चाहते हैं। बस एक बार अगर हमारी गोद भर जाएगी ना तो हमारे सर से ये बांझ का कलंक हट जाएगा। हम माँ बनना चाहते हैं। बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। किरण, किरण उठो। गुड मॉर्निंग। अरे आप इतनी जल्दी उठ गए, हमें उठा तो दिया होता। अच्छा हम आपके लिए 2 मिनट में नाश्ता बना देते हैं। बैठो बैठो बैठो। माँ जी ने नाश्ता बना दिया, हमने खा भी लिया और डब्बा भी ले लिया। तुम ठीक हो? जितने ठीक हो सकते हैं है। हम तुमसे बाद में बात करते हैं। हम इस मुद्दे पे कोई बात नहीं करना चाहते। हम चलते हैं। बेटा हमें स्टेशन छोड़ दोगे? आप कहाँ जा रही हैं? अब बरखा की गोद भराई की रस्म खत्म होगी तो हमने सोचा है चलो लखनऊ जाते हैं वापस। ठीक है जैसे आपको ठीक लगे। चलिए हम आपको छोड़ देते हैं। हाँ तो आप भाई जी से बात कीजिए ना, आपका पैसा लेके भाग थोड़ी ना रहे हैं। भाग तो तू ऐसे भी नहीं सकता है, 4 घंटे की मोहलत देता हूँ। देखिए देखिए आप ऐसे मत कीजिए। 3 घंटे। अरे ये तो बहुत ज्यादती है। 2 घंटे। अरे नहीं नहीं आप रुकिए हम कुछ करते हैं। आप रुकिए
सारे एक दिन रुक नहीं सकते क्या? अरे मौका मिलते चुरा लेंगे घर से पैसा। तो ठीक है, हम तुम्हारे घर के पास ही हैं, आ जाते हैं, पैसे चुराने में मदद करते हैं। अरे नहीं, आप मत आइए, हम कुछ करते हैं, आप मत आइए। जल्दी कर वरना हम कुछ कर देंगे। अरे कर तो रहे हैं कोशिश। किरण कहाँ हो? किरण कहाँ हो? किरण प्लीज, क्या किया तुमने? किरण क्या रिपोर्ट है यादव? मैं 29 साल की औरत थी किरण, छत से लटकी हुई मिली पति को। कोई सुसाइड नोट? नहीं मैम। घर से कोई सामान गायब? नहीं मैम, इन लोगों का कहना है कि घर से कोई भी सामान गायब नहीं हुआ। आप कौन? उनके पति। आप? छोटे भाई। यही रुके आप लोग। किसने देखा था बॉडी को पहली बार? इनके पति ने। पूछताछ की किसी से? नहीं मैम। चलो किरण, 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 आप रुकिए। किरण मेरी बच्ची, छोड़ो मुझे मेरी बच्ची से। आप यहीं रुकिए, मेरी बच्ची को देखने दो मुझे। बच्ची के पास जाने दो मुझे। मेरी बच्ची के पास जाने दो मुझे। किरण चली गई माँ जी। मेरी बच्ची को सुबह तो देख के गई थी मैं। कौन? ये किरण की माँ है। बॉडी को सबसे पहले आपने देखा था ना? जी। आप लोग कहाँ थे? हम ऑफिस गए हुए थे और माँ जी सुबह सुबह लखनऊ के लिए निकल गई थी। जब हमें पता चला तो हमने अपने भाई पुलकित और माँ जी को फोन करके बुला लिया था। आपकी बीवी किस बात से परेशान थी? भाभी का मूड तो कल से ही खराब था। क्यों? वो कल बरखा की गोद भराई थी, भाभी की छोटी बहन, वहां भाभी का बहुत बेइज्जती हुआ और बरखा के पति संजय के साथ में झगड़ा भी हो गया। वो क्या है ना कि किरण को बच्चा नहीं हो रहा था, इस बात को लेकर वो बहुत परेशान थी और बरखा के गोद भराई के रस्म में उसे बहुत ताने सुनने पड़े। वो कल से बहुत परेशान थी मैडम, हमने उसको लाल समझाने की कोशिश की लेकिन हम नहीं जानते थे कि वो इतना बड़ा कदम उठा ली और खुदकुशी कर लेगी। मैडम परखा, परखा मेरी बच्ची, किरण छोड़ के चलेगी मैडम। आप यहीं रुकिए प्लीज। आप लोग बॉडी के पास मत जाइएगा, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ये खुदकुशी का नहीं मर्डर का केस है, कोई खाना बनाते बनाते थोड़ी ना खुदकुशी करने की सोचेगा, आटा भी गीला है। क्या लगता है डॉक्टर, खुदकुशी का मामला है? नहीं, गले पर दो नोट्स के निशान है, एक गला दबाने के, दूसरा लटकाने के। गला दबाकर हत्या की गई है और हाँ, और उसके बाद बॉडी को लटकाया गया है जिससे गले की हड्डी टूटी है। और एक बात और, मरते वक्त ये महिला प्रेग्नेंट थी, इसके गर्भ में 4 महीने का बच्चा था। डॉक्टर लेकिन इसके परिवार वालों का ये कहना है कि इसने खुदकुशी इसीलिए की क्योंकि ये कभी मां नहीं बन सकती। ये संभव नहीं, ये महिला प्रेग्नेंट थी।